जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल श्री श्री ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो सावन महीना प्रारंभ हो रहा है 6 जुलाई को। तो जितने भी सावन की पूजा पाठ करने वाले हैं, सोमवार का व्रत रखने वाले हैं या भगवान शिव की पूजा पाठ करने वाले हैं, जो नित्य प्रति जल चढ़ाते हैं, तो शास्त्र अनुसार जो जल की मात्रा बताई गई है वो कम से कम करीबन 1.25 लीटर जल होना चाहिए। और उस जल में यदि आप किसी भी पवित्र नदी का जल, समुद्रों का जल या बरसात का जल या नदी तालाब कुएं जो भी आपके सामने आपके पास उपलब्ध हो सके उसका एक बूंद डाल लीजिएगा और वो जल पवित्र हो जाएगा। उस जल को आप चढ़ा सकते हैं। बाजार में भी गंगा जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप घर लेकर आइए और एक बूंद डालिए और उस गंगा जल को आप उस जल में मिलाइए, साधारण जल में, वो भी पवित्र जल हो जाएगा, गंगा जल बन जाएगा। तो उस जल को आप चढ़ाइए 1.25 लीटर करीबन, और पूर्वाभिमुख दिशा होनी चाहिए। बिल्वपत्र जो है वो कम से कम 5 आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, और एक बिल्वपत्र आपको माता पार्वती, एक बिल्वपत्र भगवान श्री गणेश, एक बिल्वपत्र भगवान कार्तिकेय, एक बिल्वपत्र नंदी, एक बिल्वपत्र वासुकी नाग के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। यदि आप शिवलिंग पर शिवलिंग के जो तीन बिल्वपत्र के जो 3 पत्ते होते हैं उनके ऊपर लाल चंदन से हिलिंग है, नीचे लय, बड़ी ई की मात्रा और बिंदी, हिलिंग लिखकर चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के बिल्वपत्र के पत्तों पर, तो इससे माता दुर्गा की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। तो बने रहिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान शिव को क्या चढ़ाया जाए और शिव तांडव का पाठ कैसे किया जाए, ताकि रावण जैसी जो लक्ष्मी थी, अतुलित धन संपदा थी, ऐश्वर्य था, वो प्राप्त हो सके। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। माता पिता को, भाई बंधुओं को, दोस्तों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप शेयर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।